नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। मनुष्य के जीवन को संपूर्णता में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा ने एक व्यापक आधार दिया है। अगर किसी समाज या शहर के लिए इस प्रसंग को लिया जाए तो ये बात शहर भीलवाड़ा के लिए सटीक बैठती है। आज का भीलवाड़ा जिला अपने अतीत में लंबी परिपाटियों, विरासतों, सामाजिक उत्थान और मनुष्य की उपलब्धियों की अनेक दास्ताएं छिपाए बैठा है। भीलवाड़ा अपनी नींव की ईंट में विकास की यात्रा का सार्थक पक्ष समेटे है। कहते हैं, समय का चक्र अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। वो जो पीछे छोड़ जाता है उसे सभ्यता इतिहास की संज्ञा दे देती है। समय अपने साथ न जाने कितने रंग रूप बदलता है। भीलवाड़ा भले ही सभ्यताओं के विकास के साथ साथ आधुनिक काल में आ गया हो, पर उसकी धड़कनों में अतीत की हर वानगी मिलती है। शुरुआत यहां के मंदिरों से करते हैं। आदिमानव की गुफाओं में धार्मिक आस्थाओं के चित्रण से लेकर 12वीं शताब्दी तक के प्रतिहार काल की कला की शानदार प्रस्तुति यहां देखने को मिल जाती है। बिजोलिया के मंदाकिनी मंदिर समूह को देखें तो विदित होगा कि किस प्रकार पत्थर पर भी भावनाएं साकार रूप ले सकती है। भीलवाड़ा जिले के पूर्व में जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित बिजोलिया का प्राचीन नाम विंध्यवल्ली था। यहां की पट्टियां पूरे राजस्थान भर और देश के घरों की छतों को ढकने के लिए भेजी जाती है। यूं तो बिजोलिया व उसके आसपास पहले अनेक मंदिर हुआ करते थे, लेकिन यहां की मंदाकिनी मंदिर परिसर आज भी अपने आंतरिक स्वरूप को बरकरार रखे हुए है। यहां 3 प्रमुख मंदिर और एक जलकुंड है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सामने है महाकालेश्वर मंदिर। इसके द्वार पर लकुशिया की मूर्तियां हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के एक तरफ पार्वती एवं दूसरी तरफ श्री गणेश की प्रतिमाएं हैं। मंदिर परिसर में स्थित तीसरा मंदिर उंडेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो स्थापत्य कला एवं मूर्ति शिल्प की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। मंदिर का प्रवेश द्वार 4 प्रस्तर स्तंभों पर टिका हुआ है। 12वीं शताब्दी के शिवालय और मंदिरों को देख मन अभिभूत हो उठता है। सामने गर्भगृह में शिवलिंग तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं
विराजमान है। शिवालय में एक ही शिवलिंग पर हजार शिवलिंगों का उत्कीर्णन और शिल्प देखकर मन के किसी कोने से इनके शिल्पियों के प्रति श्रद्धा उमड़ आती है। ये मंदिर ही थे जिनके माध्यम से समाज में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सार्थक परिप्रेक्ष्य पूरे समाज में फैलता था। जीवन के मर्म और ईश्वरीय प्रेरणा का ऐसा सामंजस्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व के ये मंदिर आज भी अपनी सुंदरता और अप्रतिम सौंदर्य से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन्हें देखकर कोई शब्द मुंह से नहीं निकलता, बस एक मौन की अभिव्यक्ति है। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भावना के सिंधु का बताशा है। मर्म की बात न होठों से कही जाती है, मौन भी अभिव्यक्ति की एक भाषा है। इस अप्रतिम सौंदर्य को देखकर हम सिर्फ इन्हें निहारना चाहते हैं। ऊपरी दीवारों पर बनी मिथुन मूर्तियां तो हूबहू खजुराहो की मूर्तियों की तरह ही प्रतीत होती है। एक ओर जहां मीनाल का झरना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, वहीं यहां का महानालेश्वर मंदिर समूह अपने आप में अपरिमित संभावनाओं को समाहित किए हुए है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवांगनाओं, अप्सराओं, यक्ष, किन्नर आदि को मोहक अदाओं के साथ उत्कीर्ण किया गया है। इन धरोहरों को बचाना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। मंदाकिनी मंदिर समूह से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। कहा जाता है कि ये भगवान पार्श्वनाथ की तपोभूमि भी रही है। पूर्व में यह प्राचीन मंदिर
इसमें लगभग 92 श्लोक संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। एक अन्य चट्टान पर उन्नत शिखर पुराण नामक दिगंबर जैन काव्य ग्रंथ उत्कीर्ण है। मंदिर परिसर में ही सफेद संगमरमर से निर्मित मान स्तंभ दूर से ही दिखाई देता है। भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में मांडलगढ़ तहसील का तिलस्वा महादेव का मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इस मंदिर में शिवरात्रि पर भरने वाले मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और लोक जीवन की छटा देखते ही बनती है। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के कुंड एवं यहाँ की मिट्टी की विशेषता है कि ये कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त कर देती है। कहते हैं कि शरीर में तिल भर भी कुष्ठ बाकी नहीं रहता। इसी के कारण इसे तिलस्वा महादेव कहा जाता है। यह भक्त दूर दूर से कुष्ठ निवारण के लिए आते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भीलवाड़ा से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित जोगणिया माता मंदिर का निर्माण काल 8वीं शताब्दी का माना जाता है। कहा जाता है कि कभी घने जंगलों में स्थित होने के कारण यहां तक पहुंचना भी दुरूह कार्य था। हरे भरे पहाड़ों के साथ साथ कलकल बहते झरने आने वाले दर्शनार्थियों का मन मोह लेते हैं। आज भी यहां चारों ओर घने जंगल और पहाड़ देखकर यह स्थान अद्भुत प्रतीत होता है। कहते हैं कभी अपने बीहड़ और घने जंगल के कारण चोर डाकू यहां छिप जाया करते थे और इसी वजह से जोगणिया माता को चोरों की माता के नाम से जाना जाने लगा। पार्श्व में यहां के पारंपरिक नृत्यों जैसे गेर की पृष्ठभूमि में बजती डफ की थाप प्रत्येक अनुराग मन की तपिश दूर करती है। जीवन के विविध पक्षों को जीने की शाश्वत परंपरा इन मंदिर समूहों से सीखी जा सकती है। समय का चक्र लगातार घूमता रहता है, पर जब तक ये गतिमान रहता है तो समय और सभ्यता में नवीन आयाम जुड़ते जाते हैं। ऐसे ही आयामों को रूपायित करते हैं भीलवाड़ा क्षेत्र के किले। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचान रखने वाला मेवाड़ क्षेत्र का सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन मांडलगढ़ दुर्ग अब जर्जर हो चुका है। भीलवाड़ा नगर से 52 किलोमीटर दूर समुद्र तट से 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये दुर्ग। लेकिन अपने गौरवशाली अतीत की यादें आज भी इसके आगोश में सिमटी हुई हैं। मांडलगढ़ दुर्ग की तलहटी में जालेश्वर जलाशय का नैसर्गिक सौंदर्य दर्शनीय है। जलाशय की पाल पर अनेक कलात्मक छतरियां बनी हुई है। जलाशय के उत्तर में बस्ती बसी हुई है और दक्षिण में तालाब की पाल के पास ही जालेश्वर मंदिर एवं गायत्री मंदिर स्थित है। दुर्ग की तलहटी में स्थित ये जलाशय ऐसा लगता है मानो दुर्ग के चरण पखार रहा हो। भीलवाड़ा जिले का सीमांत ग्राम बदनौर अपने गौरवशाली इतिहास के कारण पहचाना जाता है। हर इमारत और ईंट का एक एक पक्ष आप दर्शकों से रूबरू होने के लिए व्याकुल लगता है।
पहाड़ियों से जुड़े परकोटे से घिरा बदनौर दुर्ग कभी सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यहाँ का भव्य सात मंजिला राजमहल आज भी बड़ी उदासी के साथ अपनी दास्तां सुना रहा है। जनश्रुति के अनुसार परमार नरेश बदन ने ईसा से 845 वर्ष पूर्व बदनपुर या बर्दनपुर गांव की स्थापना की, जो बाद में बदनौर कहलाया। प्राचीन ग्रंथों में कन्नौज नरेश हर्षवर्धन द्वारा इसकी स्थापना का भी उल्लेख मिलता है। बदनौर पैलेस की प्रत्येक मंजिल और उसमें बने कुल 130 अनोखे छज्जे, गुंबदयुक्त झरोखे महल की भव्यता में चार चांद लगा देते हैं। बदनौर की पहाड़ियों में एक ऊंची चोटी पर बैराठ माता का मंदिर भी दर्शनीय है। यह है शांत सुरम्य वादियों से घिरा एक छोटा कस्बाई गांव बनेड़ा। भीलवाड़ा शाहपुरा देवली मार्ग पर स्थित बनेड़ा का अपना अलग इतिहास है। प्राचीन देवालय और कलात्मक कुंड बावड़ियां, यहां एक गढ़ी नुमा दुर्ग पर बने प्राचीन महल आज भी लगभग अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। हालांकि ये महल सूने हो गए हैं। समुद्र तट से 1900 फुट ऊंची पहाड़ी पर तत्कालीन जागीरदारों द्वारा बनवाए गए महलों के चारों तरफ दोहरा तिहरा परकोटा है। कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण राजा सरदारा सिंह ने करवाया था। यहां शीश महल, अमर निवास दर्शनीय है। दुर्ग की तलहटी में राम सरोवर है। राम सरोवर में नौका विहार का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। भीलवाड़ा जिले की सीमा के निकट ही एक और किला है और वो है जहाजपुर का किला। इस किले के निर्माण के विषय में जनश्रुति है कि सम्राट अशोक के पुत्र ने इसे बनाया था। इस किले के दक्षिण पूर्व में नागोला तालाब है। ऐसी जनश्रुति है कि पुराणों में वर्णित जन्मेजय का नागयज्ञ इसी स्थान पर हुआ था। इसी तरह भीलवाड़ा क्षेत्र के अमरगढ़ में भी भव्यता और राजस्थान के शौर्य के दर्शन किए जा सकते हैं। भीलवाड़ा जिले में पर्यटन की संभावनाएं भी अकूत है। शाहपुरा स्थित शाहपुरा बाग के हेरिटेज होटल को देखकर राजसी भव्यता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ये देखें ये तिलिस्मी मंजर, जो राजस्थान की प्राचीन पहचान रेगिस्तान के परिदृश्य को ही बदलकर रख देगा। शाहपुरा बाग के पीछे की झील में खिलते असंख्य कमल पुष्पों को देखकर कश्मीर की याद अनायास ही आ जाती है। आप खुद ही पहचानिए, क्या आपको लगता है कि ये राजस्थान है? चारों तरफ अपार जलराशि, हरे भरे पेड़, खिलते कमलों का जंगल और इन सब का अभिषेक करते सूर्यदेव। मन मोह लेने वाले मंजर की ये धरती है भीलवाड़ा के पास शाहपुरा। अपने देवालयों, किलों और पुरातात्विक अवशेषों के चलते कोई सोच भी नहीं सकता है
कि रेगिस्तान अपने अंत स्थल में इतनी तरलता और समृद्धि भी रख सकता है। प्राकृतिक छटा में भी प्रकृति ने यहां कोई कसर नहीं छोड़ी है। भीलवाड़ा से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाहपुरा रामस्नेही संप्रदाय प्रमुख स्थलों में गिना जाता है। इस संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण महाराज की छतरी को देखते ही मन विभोर हो उठता है। इस परिसर में ही प्रमुख आचार्यों के समाधि स्थल हैं और उनकी छतरियां कतारबद्ध रूप से बनी हुई है। इस परिसर में छतरियों की कलात्मकता, जालियां, झरोखे और चित्रकारी को देखकर मन अनायास ही शिल्पियों की रचना संसार में डूब जाता है। मांडलगढ़ के पास ही स्थित एक और आस्था केंद्र त्रिवेणी संगम का भी अपना ही महत्व है। इस जगह पर बनास नदी में बेड़च एवं मेनाली नदी मिलकर संगम की स्थापना करती है। यहाँ के रीति रिवाजों एवं परंपराओं का भी अपना ही महत्व है। इस स्थान पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी मिलता है। इसके साथ ही भीलवाड़ा के उल्लेखनीय मंदिरों में गुर्जर समुदाय का सवाई भोज मंदिर भी उनकी आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। कला और संस्कृति की बात चले तो भीलवाड़ा अपने अंतर में ऐसी थातियों को छिपाए है जो दुनिया भर में भीलवाड़ा की अलग पहचान बन चुकी है। कला के नजरिए से भीलवाड़ा की फड़ चित्रकारी ने पूरे विश्व में कला को एक नई पहचान दी है। इस विशेष प्रकार की कलमकारी में बाबूजी और लोक देवता देवनारायण की महागाथा को इंगित किया जाता है। भीलवाड़ा के गिर नृत्य ने भी अपनी पहचान को जनमानस में उतारा है। ढोल व बांकियां जैसे पारंपरिक वाद्यों के साथ युवाओं की टोली अंगरखी और धोती पहनकर हाथ में छड़ियां लिए जब गिर नृत्य करती है तो पूरा समा उस रंग में रंग जाता है। यहाँ का कपड़ा उद्योग पूरे विश्व में जाना माना है और आखिर क्यों ना हो। भीलवाड़ा में प्रतिमाह 5 करोड़ मीटर कपड़े का निर्माण होता है। इसकी गुणवत्ता और विविधता के चलते कपड़ा उद्योग में इसकी एक विशिष्ट पहचान है। राजस्थान जैसे प्रदेश में कला, संस्कृति, धरोहर, साहित्य, प्रकृति, धर्म आदि अथाह क्षेत्रों के ऐसे ऐसे नायाब नमूने बिखरे हैं कि अगर उन्हें सहेजा जाए, उनसे रूबरू हुआ जाए तो समूची मानवता एवं समाज को एक नवीन आयाम मिल सकता है। भीलवाड़ा इस वानगी को समय की कसौटी पर आज भी संभाले हुए है।
और भीलवाड़ा जिला राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला होने का गौरव रखता है।